हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इन टेस्ट। मैं स्मृति आज की रेसिपी में लेके आई हूँ डोसा और इडली के साथ खाने वाली चटनी, बादाम, चने की दाल और हमारी गढ़ी की चटनी। बहुत टेस्टी जो होती है, मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं जैसे बनाती हूँ वैसे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए हम क्या करते हैं, मूंगफली को और ये चने की दाल और गढ़ी को मैं भूंज लूंगी। मैंने देखिए कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और मैं भूंज लूंगी। तो देखिए सबसे पहले मैं ये मूंगफली को डालूंगी। पहले मैं मूंगफली को थोड़ा सा भून लूंगी, उसके बाद मैं ये चने की दाल और जो गढ़ी ली हूँ उसको डालूंगी। तो पहले मैं इसे थोड़ा भून लेती हूँ। देखिए मैंने बादाम को भून के निकाल लिया है। मैंने इसलिए इसे निकाल लिया क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा भूंजा गया था और अब मैं जो दाल और गढ़ी को भूंजूंगी तो उसके साथ ज्यादा भूंजाएगा तो ये जल जाएगा बादाम। तो आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बादाम होने के बाद दोनों को डाल दीजिएगा, साथ में ही भून जा जाएगा। लेकिन मुझे बादाम किसी और भी चीज़ के लिए चाहिए था इसलिए मैंने इसे निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं करूँगी क्या कि मैं जो नारियल ली हूँ उसे डाल दूंगी। आप सूखे नारियल भी बना सकते हैं चटनी, मैं ये बना रही हूँ एकदम फ्रेश नारियल है। मुझे जितना इसमें चना का दाल ऐड करना है मैंने कर लिया। मैं जैसे अपने घर से बनाती हूँ मैं बता रही हूँ, इस सच में बहुत अच्छा होता है। एक बार बना के ट्राई करिएगा, ये रोटी के साथ पिट्ठा के साथ भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं इसको थोड़ा भूंज लूंगी, थोड़ा सा इसे कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं उसके बाद तो दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसे भूंज लिया है, गैस को बंद कर दिया है। ज्यादा इसे ना भूंजे फिर इसका स्वाद जो होता है चला जाता है। तो मैंने इसे भूंज लिया हो गया, अब मैं इस प्लेट में निकाल लूंगी। उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करूंगी, फिर आगे का हम प्रोसेस करेंगे। तो देखिए मैंने इसे भूंज लिया है और एक प्लेट में निकाल ली हूँ। इसे ठंडा करने के बाद हमें मिक्सर में पीसना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ठंडा हो जाएगा उसके बाद। तो देखिए मैंने तीनों को बादाम और दाल का चना दाल और गढ़ी को तीनों को पीस लिया है अच्छे से मिक्सर में। ये थोड़ा मोटा ही हम रहने देंगे, आप चाहे तो पतला कर ले लेकिन ये थोड़ा मोटा ही रहता है तो ठीक लगता है। उसके बाद मैंने गैस पे मैं छौंक लगाऊंगी, तो मैं इस तरह से ही छौंक लगाती हूँ। गैस पे कढ़ाई को चढ़ा ली हूँ, मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें सरसों ऑयल ऐड करूंगी, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, खड़े दो लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों और ये हम छौंक लगा रहे थे, ये थोड़ा सा हमारा चटक जाएगा। उसके बाद मैंने जो इसमें पीसा हुआ है जो इसमें जार में, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी तो थोड़ा सा चटक जाएगा उसके बाद। तो देखिए ये हमारा अच्छे से चटक गया है। इसके बाद मैंने जो ये लिया है इसको ऐड करेंगे, मैं सब डाल दूंगी। और सुनिए आप क्या करिएगा कि इसमें जो लगा हुआ है इसमें पानी से मिला के इसको भी डाल दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा इसी में डाल के। तो मैं चटनी को थोड़ा सा पतला रखूंगी तो मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। इसी जो मैंने जो ये लिया था इसी में पूरा अच्छे से घोल के मैंने जो भी बचा था पानी में डाल दूंगी। उसके बाद मैं सबको मिला दूंगी। गैस का फ्लेम तुरंत हमें बंद कर देना है, इसे रहने मत दें नहीं तो फिर ये गाढ़ा हो जाएगा, हम इसे गैस के बंद कर देंगे। मैंने आपको ये बताना भूल गई थी और मैं डालना भी भूल गई थी, इसमें नमक डालेंगे हम अभी स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। सबसे मेन चीज हमारा यही छूट जाएगा तो हमारा जो टेस्ट ही नहीं आएगा। तो मैं इसमें नमक ऐड कर ली, अभी इसे चला दूंगी और ये हमारा चटनी रेडी है। तो देखिए मैंने कटोरी में अपने इस चटनी को रेडी कर लिया है। ये चटनी आप डोसा, इडली, रोटी के साथ भी खाइएगा, बहुत टेस्टी होता है। और बताइए कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी, और एक बार आप जरूर बनाएं अपने घर पे और हमें बताएं कि ये रेसिपी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मेरा तो बहुत अच्छा बना, आप अपना बताएं। तो फिर चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।